ये देखिए, हम यहाँ से चढ़ के आए थे। वो वाला रास्ता था और काफ़ी डेंजर है। और ये औसम नज़ारे तो देखिए आप, ये देखिए और ये भी देखिए, ये देखिए, ये कितना बढ़िया औसम नज़ारा है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आदिवासी देवस्थान है और इसको सिंधवा देव ये बोलते हैं। कुछ कुंड जैसा दिख रहा है ये, और इसमें पानी है, आप देख सकते हो। पीछे ये देखिए रास्ता, ये बड़ा डेंजर रास्ता है भाई। तो आप भी आए तो थोड़ा सेफली ड्राइव करना, हिल स्टेशन है। लेकिन तो फ्रेंड्स, नमस्कार, फिर से एक नया व्लॉग में स्वागत है आपका। और आज हम आपको ऐसे ट्रैकिंग पर और ऐसे एडवेंचर पे ले जाने वाले हैं। आप वहाँ पे बढ़िया प्लेस है, और एडवेंचर के शौकीन के लिए तो बढ़िया प्लेस है। तो आप हमारा ये व्लॉग देखते रहिए, बढ़िया मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिएगा, बढ़िया प्लेस भी बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं। पीला डूंगर के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। ये बोर्ड लिखा है, चोरावनी गांव में है ये। यहाँ से ये पूरा ऑफ रोड है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं वांसदा, जो नवसारी का वांसदा तहसील है, उसके यहाँ पे भी वो जो पीलवा डूंगर करके है, जो बढ़िया हिल स्टेशन है। और अभी हम ये ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। और पीछे देखिए आप, ये नज़ारा देखिए, बढ़िया दिख रहा है ये पहाड़। तो आप देखते रहिए, अच्छे अच्छे नज़ारे हम दिखाते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा, ऐसा बहुत डेंजर रास्ता है इसलिए। तो चलिए, बढ़िया डेंजर रास्ता है और सबसे ज्यादा ऑफ रोडिंग है। आप आए तो सेफ ड्राइविंग करना, गाड़ी पे भी, टू व्हीलर पे भी, और बहुत डेंजर रास्ता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा रास्ता है, इसलिए थोड़ा सेफली ड्राइव करना। ये रास्ता देखिए आप, ये इतना डेंजर रास्ता है, बढ़िया ऑफ रोडिंग है। क्या कर, अभी निकले हैं इसलिए अभी जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल है। हाँ चल, याद है
याद है। मेरे पीछे ये देखिए रास्ता, ये बड़ा डेंजर रास्ता है भाई। तो आप भी आए तो थोड़ा सेफली ड्राइव करना, हिल स्टेशन है। लेकिन रास्ता देखिए, इतना डेंजर रास्ता है। अभी तो थोड़ा और बाकी है और ये नजारा। तो आप ये रास्ता देखिए, बड़ा डेंजर है। वहां पे ही गाड़ी रख दी है हमने, तो थार भी नहीं आ सकती। यहाँ पे शायद थार भी नहीं आ सकती है, क्योंकि ये रास्ता ही देखिए, इतने बड़े खड्डे हैं। अभी थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अभी क्या सीन है आगे जाके दिखाते हैं। तो हम पूरा 1 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करके आए हैं, चल के आए हैं। और एक बंदा थक गया है, तो थक गया है वो वाला पीछे वाला बंदा थक गया है। हम तो, हमारा थोड़ा स्टेमिना अच्छा है तो चल रहा है अभी भी। वैसे प्लेस बढ़िया है और ट्रैकिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया। और ये अभी तो हम यहाँ अभी आगे जाने वाले हैं। और ये पीछे देखिए, सब पहाड़ी पहाड़ है। हम लोग जैसे तैसे करके, वैसे अच्छा जंगल है, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। जितने ये बड़ा पड़ता था, हाँ भाई। और ये आप देख सकते हो, बढ़िया नज़ारा है। और यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, ये वादिया। तो हम फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, ज़्यादा है इसलिए। और वो जो देवस्थान है उसको पीलवा देव बोलते हैं यहाँ के स्थानीय लैंग्वेज में। और ये आप नज़ारा देखिए, ये सब देखिए, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और आप भी आइए एक बार, लेकिन ज़्यादातर ट्रैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हेवी ड्राइवर हो गए वही आएंगे यहाँ तक। आप भी देखिए ये नज़ारे, ऑसम प्लेस है यहाँ से। और व्यू तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है यहाँ से। और वो सब, ये सब पहाड़ी पहाड़ है, वो सामने धर्मपुर वाले हो गए। आप ये नजारा देखिए यार, कितना बढ़िया नजारा है। ये उस नजारा है, ये देखिए आप। और ये देव है, पीलवा देव। दोस्तों आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये आदिवासी देवस्थान है और इसको पीलवा देव बोलते हैं। और यहाँ पे सब आदिवासी लोग, हम भी वैसे भी आदिवासी है, तो यहाँ पे हम पूजा भी किए हैं। और बढ़िया प्लेस है, यहाँ तक आने के लिए आपको बढ़िया रिस्क लेना पड़ेगा। तो वैसे भी रिस्क लेने के लिए यहाँ तक आते हैं, तो आओ आप भी। और यहाँ पे ये देवस्थान भी है, यहाँ पे भी एक बार आओ। आप ये देख
देखिए पूरा नजारा, वाह ऑसम। ये ऐसा प्लेस है कि आप देख रहे हो ये मजा मानते ही रहे हो, और ये नेचर का अद्भुत नजारा है। आप देखिए तो हम अभी ये जंगलों में से जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ पे जाने वाले हैं। ये वहाँ से आपने ये सब देखा, अभी ये नज़ारे देखे और ये दूसरे नज़ारे हैं। वैसे ये कुछ कुंड जैसा दिख रहा है ये, और इसमें पानी है आप देख सकते हो। तो हम वहाँ पर थे और यहाँ पे आ गए अभी। ये बढ़िया नज़ारा है, आप भी देख सकते हो यहाँ से। शायद ये लास्ट का नज़ारा हो सकता है, यहाँ पे ये देखिए आप। और हम वहाँ पे थे नीचे, ऊपर आए हैं अभी यहाँ पे। आप भी देख सकते हो वो छोटे छोटे गांव हैं ये सब, और वहाँ पे जो रिवर है थोड़ा पानी दिख रहा होगा। और ये नज़ारा देखिए, वाह। यहाँ से अब ये नज़ारा देखिए, वाह क्या नज़ारा है। तो आप ये नज़ारा देखिए, मौसम है। और शाम के करीब करीब 7 बज चुके हैं, फिर भी ये प्लेस का नजारा मौसम है। यह मौसम नजारा देखिए, हम आपके लिए यहाँ तक भी आ चुके हैं। ये ये देखिए, हम यहाँ से चढ़ के आए थे, वो वाला रास्ता था और काफी डेंजर है। और ये ओसम नजारे तो देखिए आप, ये देखिए और ये भी देखिए, ये देखिए ये कितना बढ़िया ओसम नजारा है। वैसे ये ओसम प्लेस है, आप आ सकते हो, लेकिन ये जो मॉनसून है इसी टाइम में बढ़िया भाई ये नज़ारे देख सकते हैं आपको। और वो देखिए ये सब नज़ारे तो देखिए, इतना मौसम है, इसी सीजन में आपको ये ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिएगा और सब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब वाला लिखा होगा उसमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।